नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रियम स्वागत करती हूं आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सब लोग शेयर कर दें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ, आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ डेली करंट अफेयर के आप नोट्स बना सकें, इसके लिए जो है आपको PDF प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से आप डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आपको डेली करंट अफेयर की PDF जो है मिलेगी। उसके आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिविजन करिए। और ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन रिसेंट के भी जो एग्जाम हुए हैं, अभी UP SSC के जितने भी पेट के भी एग्जाम हुए, देखा जाए उसमें करंट काफी अच्छे तरीके से पूछा गया था। और मैं इस बात की बिल्कुल श्योरिटी जैसा कि देती हूँ कि भाई, अगर आपने रेगुलर इस क्लास को फॉलो किया तो आपके करंट अफेयर के क्वेश्चंस कभी गलत नहीं जाएंगे। देखिए, आप पेपर को उठाइए और खुद आप मिला सकते हैं कि देखिए यहाँ से पढ़ा हुआ लगभग क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो कोशिश करिए डेली करंट अफेयर की जो है क्लासेस को फॉलो करिए। मॉर्निंग में 7 बजे आपकी क्लास चलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न नियुक्ति से है कि रॉबर्ट फिको किस देश के पुनः प्रधानमंत्री बने हैं। तो यानी कि पहले भी प्रधानमंत्री थे, पुनः जो है इनका फिर से नियुक्ति हुई है प्रधानमंत्री के रूप में, रॉबर्ट फिको। और ये किस देश के बने दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, ये स्लोवाकिया। स्लोवाकिया यूरोप की कंट्री है, ठीक है। तो ये देखिए, ध्यान रखिएगा, यूरोप में है ये स्थित देश स्लोवाकिया। और यहाँ के पुनः जो है रॉबर्ट फिको, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया के, ठीक है, नए प्रधानमंत्री, पुनः प्रधानमंत्री बल्कि ये बने हैं। और ये वामपंथी जो है नेता है, और ध्यान रखिएगा ये चौथी बार जो है स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। कौन? रॉबर्ट फिको। जो अगर हम बात करें स्लोवाकिया के, वहां के राष्ट्रपति कौन है? जुजाना, ठीक है, जुजाना कैपुतोवा, जो कि वहां के राष्ट्रपति। और इन्होंने जो है रॉबर्ट फिको को, ठीक है, उनकी जो पार्टी है SMER, ठीक है, SSD पार्टी, उन पे जो इन्होंने चुनाव जीता है, उसके बाद नियुक्ति की है, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही देखा जाए, इन्होंने जो है 2018 की बात है दोस्तों, रॉबर्ट फिको पे दोस्तों एक तरीके से सार्वजनिक, यहाँ पे जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े पैमाने पर सार्वजनिक विरोध के बाद जो है इन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद से जो है त्याग पत्र दे दिया था, छोड़ दिया था, ठीक है। और फिर वहां की चुकी पुनः प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए, ठीक है। तो रॉबर्ट फिको जो कि वहां पे चौथी बार प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। इसी के साथ साथ यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यूरोप का एक कंट्री है दोस्तों स्लोवाकिया, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो ब्रेस्टिसल्वा जो है इसकी जो है कैपिटल है। और ये देखिए, ये पोलैंड से, ठीक है, यूक्रेन से, ठीक है, हंगरी से, ऑस्ट्रिया से, और चेक रिपब्लिक, जिसे चेक गणराज्य के नाम से जानते हैं, ये अपनी जो है सीमा साझा करते हैं। जो यहाँ पे स्लोवाकिया है दोस्तों, वो पूरी तरीके से लैंडलॉक कंट्री, इसकी कोई भी अपनी सामुद्रिक सीमा नहीं है, ठीक है। इसी के साथ साथ देखिए, मलेशिया के नए नरेश यानी कि राजा नियुक्त चुने गए हैं। कौन है दोस्तों? तो मलेशिया के जो शाही परिवार के सुल्तान है, इब्राहिम सुल्तान सिकंदर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर इनका नाम है। और ये देश के नए नरेश यानी कि नए राजा जो है वो चुने गए हैं, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये अगले साल यानी कि 2024 में 31 जनवरी को, ठीक है, अपने पद को संभालेंगे। वहां के वर्तमान जो नरेश है, जिनका नाम है अल सुल्तान अब्दुल्ला, उनके स्थान पे, ठीक है, ये नियुक्त किए गए हैं, और उनके स्थान पे ये 31 जनवरी को ये अपना पद जो है संभालेंगे। मलेशिया में दोस्तों देखा जाए, जो नरेश चुना जाता है, यानी कि जो नया राजा चुना जाता है, एक अनूठी प्रक्रिया है। तो वहां पे जितने देखिए 9 शाही परिवार है, 9 शाही परिवारों में से हर साल देखा जाए 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए बारी बारी से जो है नए नरेश चुनाव किया जाता है, ठीक है, नए नरेश का, नरेश मतलब राजा, ठीक है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की बात करें, जिन देश जो है ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है दोस्तों, यानी कि मलेशिया, यहाँ पे जो है संसदीय लोकतंत्र है, और जहां पे नरेश जो है सरकार के अधिकृत प्रमुख के रूप में कार्य करता है, ठीक है। देखिए, ये मलेशिया है, साउथ ईस्ट एशिया का नेशन है दोस्तों मलेशिया। अब इसकी देख सकते हैं आप जो है कैपिटल क्या है, कोलालंपुर इसकी कैपिटल। और ये 3 देशों से अपनी सीमा को साझा करता है, ठीक है, 3 या 4, यहाँ पे देखा जाए थाईलैंड से, फिर यहाँ पे सिंगापुर से, इंडोनेशिया से, ठीक है, और इसका कुछ क्षेत्र जो है इंडोनेशिया से, और साथ ही साथ ब्रुनेई से अपने जो है सीमा को साझा करता है।
और यहाँ पे देखिए ये साउथ चाइना सी से भी अपनी सीमा को देखता है, ठीक है। और आप मुझे यहाँ पे बताइए यहाँ पे कौन सा स्ट्रेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंडोनेशिया को सिंगापुर से जो है अलग करने वाला, ठीक है, अंडमान सागर को साउथ चाइना सी से जोड़ने वाला यहाँ पे एक स्ट्रेट है जिसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने इस स्ट्रेट के बारे में बताया था। ये स्ट्रेट काफी बिजी स्ट्रेट है, ठीक है, ये जलसंधि बहुत ही व्यस्त जलसंधि में से गिनी जाती है, बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है व्यापारिक गतिविधियां होती है, तो आप मुझे इसका नाम बताइए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर सरस आजीविका मेला 2023 कहाँ शुरू हुआ है, तो देखिए ये पूछा जा रहा है सरस आजीविका मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, पूछा जा रहा है प्रश्न, तो ये कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए दोस्तों, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों हरियाणा के, ठीक है, गुरुग्राम में सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। तो सरस आजीविका मेला का आयोजन जो है हरिद्वार के, माफ करिएगा, हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित किया जा रहा है, और ये मेला जो है दोस्तों 11 नवंबर तक चलेगा। इस मेले में देखा जाए दोस्तों 28 राज्यों के जो स्वयं सहायता समूह की लगभग देखा जाए 800 महिलाएं जो है देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों से हस्तशिल्प, हथकरघा, प्राकृतिक खाद्य पदार्थों जैसे अपने विविध उत्पादों का प्रदर्शन करेंगी, ठीक है। लगभग 28 राज्यों से जो स्वयं सहायता समूह से संबंधित जो महिलाएं हैं दोस्तों, लगभग 800 महिलाएं, उनके द्वारा जो उनसे हाथों से निर्मित या हथकरघा निर्मित या प्राकृतिक जो खाद्य पदार्थ उनके द्वारा उत्पादन किया जा रहा है, उनका जो है इस मेले में प्रदर्शन किया जाएगा। ये जो मेला है दोस्तों ये एक पहल है, आज ये जो सरस आजीविका मेला है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की जो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है दोस्तों, उसी की ये एक पहल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये किस योजना के तहत जो है क्रियान्वित किया जाता है सरस आजीविका मेला, तो ये ध्यान रखिएगा दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किससे संबंधित है ये मिशन दोस्तों, कौन सा इसका संचालन कौन सा मंत्रालय करता है, तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। इसमें देखा जाए ये जो आयोजन ये जो मेला है इसमें जो ग्रामीण महिला है स्वयं सहायता समूह जो है उनके जो सदस्य हैं वो अपना कौशल दिखाएंगे, अपने द्वारा जो उत्पादित किए हुए जो वस्तु है यानी कि उत्पादन जो वस्तु उत्पादित करती है उनको उनका जो है क्या करेंगे बेचेंगे, उनकी बिक्री करेंगे, और संभावित व्यापारी जो व्यापारी होंगे उनके साथ संपर्क बनाने में, ठीक है, एक तरीके से ये मंच क्या करता है, ये मंच उपलब्ध कराता है ये मेला। राष्ट्रीय स्तर पे इस मेले का जो आयोजन जो है किया जा रहा है गुरुग्राम में किया जा रहा है, ये दूसरी बार जो है जब इसका आयोजन गुरुग्राम में किया जा रहा है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा सरस मेले का आयोजन जो है इस वर्ष 2023 में गुरुग्राम में किया जा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों की किस देश के वैज्ञानिकों ने, ठीक है, कैलिस्कोका नामक टीका बना है, तो कैलिस्कोका नामक टीका जो कोकीन की लत से जो लोग होते हैं लती जो लोग होते हैं उनके जो है उनकी लत को जो कोकीन और ड्रग्स की लत को छुड़ाने के लिए, ठीक है, ये टीका है कैलिस्कोका टीका, और ये किस देश के वैज्ञानिकों ने बनाया है दोस्तों, तो ब्राजील के, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा साउथ अमेरिका का ये देश ब्राजील, तो ब्राजील के दोस्तों जो वैज्ञानिक है उन्होंने कैलिस्कोका नामक टीके की खोज किया है, टीका विकसित किया है जो कि जो कोकीन और क्रैक्स की लत से जो लोग पीड़ित हैं या जिनको कोकीन और क्रैक की लत है उनको जो है उनके उपचार के लिए ये टीका विकसित किया गया है। ध्यान रखिएगा ऐसे ही क्वेश्चन आपके साइंस एंड टेक टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कैलिस्कोका, ठीक है। ये जो टीका है दोस्तों अगर हम टीके की बात करें तो इस टीके का उद्देश्य क्या है, जो हमारे शरीर होती है यानी कि जो शरीर में प्रतिरक्षा प्रक्रिया है उसको ट्रिगर करके कोकीन के प्रभाव को क्या करना, बाधित करना, तो एक तरीके से हमारे जो जो लोग कोकीन वगैरह का सेवन करते हैं जो इस लत जो कोकीन की जिनको लत है उनके शरीर में ये जब टीका जाएगा तो उनकी प्रतिरक्षा प्रक्रिया को ये ट्रिगर करेगा, ठीक है, और जो कोकीन का प्रभाव होगा उसको कम कर देगा, दवा को मस्तिष्क तक पहुंचने में रोकेगा, ठीक है, कोकीन को मस्तिष्क तक पहुंचने में रोकेगा और इससे जुड़ा हुआ जो आनंददायक प्रभाव उसको भी कम करने में क्या करेगा ये सहायता करेगा। कैलिस्कोका दोस्तों ध्यान रखिएगा एक प्रतिरक्षा प्रक्रिया प्रतिक्रिया जो है उत्पन्न करेगा, क्या करेगा ये हमारे शरीर में, तो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया जो है उत्पन्न करेगा जो कि रक्त प्रवाह में कोकीन अणुओं से जुड़ने में सक्षम एंटीबॉडी उत्पन्न कर देगा, ठीक है। इस बंधन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होगा, कोकीन के अणु जो बढ़ जाएंगे जिससे वो मस्तिष्क के रिवॉर्ड सेंटर या फिर ध्यान रखिएगा मेसोलिम्बिक प्रक्रिया में प्रणाली में जाने के लिए बहुत बड़े हो जाते हैं। और अगर हम बात करें ये जो रिवॉर्ड सेंटर होता है दोस्तों ये मस्तिष्क का एक ऐसा क्षेत्र जो आमतौर पर आनंद उत्प्रेरण, ठीक है, जिसको हम कहते हैं, ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर या फिर जहां पे डोपामिन जारी किया जाता है उसके लिए जो है कोकीन द्वारा उत्तेजित होता है, तो एक तरीके से ये जो उसी क्षेत्र में इसको जाने से रोक देगा जहां पे देखिए कोकीन वगैरह का जो लोग सेवन करते हैं तो उनके ब्रेन का एक पार्ट होता है जहां पे डोपामाइन, डोपामाइन देखो दोस्तों इसको हम कहते हैं हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है, डोपामाइन जो होता है हमारे बॉडी में जितना रिलीज होता है बहुत ही खुशी का अनुभव करते हैं, और कोकीन वगैरह जो लोग लेते हैं उनको यही डोपामाइन जो है रिलीज हो जाता है तो उनको बहुत आनंद का एहसास होता है, तो एक तरीके से ये उसी चीज को बाधित कर देगा, ठीक है, कोकीन द्वारा
ये जो उत्तेजित करने वाला जो पार्ट होता है उनको ये क्या करेगा, ये जो वैक्सीन होगी उसको बाधित कर देगी। तो नतीजन क्या होगा, तो जो व्यक्ति टीका प्राप्त करेगा उसे कोकिन के जो वांछित उत्साहपूर्ण है, जो उत्साह आता है कोकिन लेने के बाद, उसका अनुभव नहीं होगा। और संभावित रूप से जब उसको अनुभव ही नहीं होगा, जो उसको उसको एक तरीके से जिस आनंद का एहसास ही नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, उन्हें लत के जो चक्र है वो टूटने लगेगा और इस तरीके से उनकी जो लत है कोकिन की वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यही है दोस्तों, ठीक है, कैलेक्स कोका तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो यह स्टार क्वेश्चन कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों बात कर लेते हैं कवॉर्ड की, जिसको हम अमेरिका टॉप यंग जो है यंग साइंटिस्ट पुरस्कार, ठीक है, ये देखा देखे किसने जीता है, तो वर्जीनिया के दोस्तों ये 14 वर्षीय, ठीक है, 9वीं कक्षा के छात्र हैं, जिनका नाम है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये है हेमन बेकले। ठीक है, हेमन बेकले की दोस्तों बात करें तो ये ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो है एक स्किन कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, एक इवेंट किया, ठीक है, एक सोप बनाया, ठीक है, और ये जो 14 साल के हैं तो एक साबुन बनाया जो कि जो स्किन कैंसर होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए, और इसके लिए जो कि इन्होंने बहुत अभूतपूर्व कार्य किया, ठीक है, एक अविश्वसनीय उपलब्धि इन्होंने हासिल किया, जिसके लिए इनको जो है, ठीक है, क्या मिला है, अमेरिका टॉप यंग साइंटिस्ट पुरस्कार इनको मिला है। इन्होंने देखा जो 3M और डिस्कवरी एजुकेशन द्वारा प्रस्तुत इस पुरस्कार को देश की प्रमुख जो है मिडिल स्कूल विज्ञान प्रतियोगिता में से एक माना जाता है। इस प्रतिष्ठित किताब में देखा जाए हेमन की यात्रा में 9 अन्य जो है फाइनलिस्ट के खिलाफ जो है 4 महीने की कड़ी प्रतिस्पर्धा शामिल थी जिसमें जीते हैं। इस प्रतियोगिता का बेसिकली उद्देश्य क्या है दोस्तों, यहाँ पे 5वीं से 8वीं कक्षा तक के छात्रों को उनकी दुनिया के पर सकारात्मक प्रभाव डालने में सक्षम नवीन विचारों की कल्पना करने के लिए सशक्त बनाया जाता है। तो एक तरीके से उनके द्वारा जो नवीन खोज की गई है, जो आविष्कार किया गया है, वो दुनिया पे किस तरीके से सकारात्मक प्रभाव डालता है, इस उपलब्धि के लिए उनको पुरस्कृत किया जाता है। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं ये 14 वर्ष के जो क्लास 9 में पढ़ने वाले हेमन बेकले हैं, इन्होंने एक तरीके से मानव समाज पे एक तरीके से जो कैंसर जैसा जो है ट्रीटमेंट के लिए इन्होंने जो सोप बनाया है वो बहुत अधिक प्रभाव डालता है, जिस कारण से इनको यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने हेतु एयरबस ने किस IIT संस्था के साथ समझौता किया है। तो एयरबस ने दोस्तों किस IIT संस्था के साथ समझौता किया, ऑप्शंस आपके सामने हैं, और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि IIT कानपुर के साथ, ठीक है, IIT कानपुर के साथ दोस्तों एयरबस ने क्या किया है, समझौता किया, उद्देश्य क्या है, भारत में एरोस्पेस, ठीक है, एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ाने के लिए। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर और एयरबस ने जैसे एक समझौता किया है, समझौता ज्ञापन, और इसके माध्यम से दोस्तों देखिए ये क्या करेंगे, तो ये जो समझौता है इसका उद्देश्य क्या है, जो अनुसंधान यानी कि जो रिसर्च का क्षेत्र है, जो एजुकेशन का क्षेत्र है, उस पहल के माध्यम से भारत में एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा पुल को महत्वपूर्ण रूप देना है। ठीक है, एक तरीके से प्रतिभा को बढ़ाना किस क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में। ठीक है, इसके लिए जो है ये IIT कानपुर यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और एयरबस ने क्या किया दोस्तों, समझौता ज्ञापन किया है। इस साझेदारी में देखा जाए भारत में एरोस्पेस छात्रों की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में कार्यक्रमों और गतिविधियों का विकास भी शामिल है। इसके अतिरिक्त देखा जाए दोनों संगठन वैश्विक संस्थाओं के साथ सहयोग के अवसर तलाशने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिससे छात्रों को वास्तविक दुनिया क्षेत्र प्रासंगिक परियोजनाएं प्रदान की जाएंगी। ठीक है, तो ये बेसिकली ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे भारत में जो है एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ाने के लिए IIT कानपुर ने एयरबस से समझौता किया है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण ई बाजार योजना, ठीक है, स्वयंपूर्ण ई बाजार लॉन्च किया। देखिए ये क्वेश्चन हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, पुनः इसको डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा और भी इनोबलेट करके ध्यान रखिएगा। इससे क्या होगा, एलोबरेट जब हम इसको करेंगे तो इससे क्या होगा कि जैसे कि कुछ योजनाओं के माध्यम से इसको जो है चलाया जा रहा है, लॉन्च किया जा रहा है, जो कि हमने पिछली क्लास में नहीं डिस्कस किया था, तो कुछ और भी इसका एलोबरेशन हो जाएगा, इसको और भी एलोबरेट करेंगे तो इससे आपको थोड़ा सा और भी पता चलेगा कि और कौन सी योजना है जिसके माध्यम से इसको संचालित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, चूंकि आपको आंसर पता ही होगा अगर आप लोग रेगुलर सेशन को फॉलो कर रहे हैं, तो गोवा, ठीक है, गोवा के जो मुख्यमंत्री, उन्होंने स्वयंपूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है। तो गोवा के दोस्तों मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है प्रमोद सावंत, उन्होंने जो है स्वयंपूर्ण ई बाजार लॉन्च किया, और हमने ये भी बताया था कि जो स्वयं सहायता समूह है उनके लिए एक तरीके से ये क्या करेगा, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा, यानी कि जो स्वयं सहायता समूह के जो लोग हैं, जो महिलाएं, उनके द्वारा जो उत्पादन की गई वस्तुएं हैं, जो उत्पादित की गई वस्तु है उनको, ठीक है, बिक्री करने के लिए ये प्लेटफॉर्म होगा। ठीक है, तो इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जो स्वयं सहायता समूह के जो लोग हैं, जो महिलाएं, उनके द्वारा जो बनाए गए विभिन्न तरीके के जो उत्पाद हैं उनका जो है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिक्री किया जाएगा उनके प्रोडक्ट का।
इसके तहत क्या किया जाएगा, 26 लोगों को, ठीक है, सरकार के द्वारा उत्पाद पैकेजिंग, ठीक है, FDA लाइसेंस प्राप्त करने, मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करने और मार्केटिंग में क्या किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है, सरकार के द्वारा, ठीक है। इसके लिए क्या किया जाएगा, ये ट्रेनिंग जो है, ये स्वयंपूर्ण मित्र जो है, ये ट्रेनिंग प्रदान करेंगे किन लोगों को, ठीक है, जो उद्यमी बनना चाहते हैं, जो अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको जो है स्वयंपूर्ण मित्र के लोगों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्वयंपूर्ण ई बाजार जो है वो किसका विस्तार है, स्वयंपूर्ण चावत, ठीक है, बाजार का विस्तार है। यही मैंने बोला एलोबरेशन के लिए, एलोबरेट करके हम देखेंगे कि किसका है, लेकिन लास्ट क्लास में ये बात हमने नहीं की थी कि ये स्वयंपूर्ण चावत बाजार का, ठीक है, हिस्सा है स्वयंपूर्ण ई बाजार, ठीक है। चतुर्थी ई मार्केट जो कि एक ऑनलाइन पोर्टल है और ये निर्बाध और जो है निर्बाध एक तरीके से बिना किसी रोक टोक के ऑर्डरिंग के लिए स्विगी ऐप के साथ क्या किया, एकीकृत किया, ठीक है, यानी कि समझौता किया है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। यहाँ पे देखिए एक चीज और बात कर लेते हैं, हम लोगों ने ये भी बात किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है, जैसा कि आपको पता है 37वें राष्ट्रीय खेल का, ठीक है, आयोजन किया जा रहा गोवा में, और गोवा के मडगांव में दोस्तों जो कि स्टेडियम है पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, वहां पे 37वें राष्ट्रीय खेल का दोस्तों क्या किया है, प्रधानमंत्री जी ने दोस्तों उद्घाटन किया है। इस आयोजन की बात करें तो ये 26 अक्टूबर से शुरू है और ये 9 नवंबर तक चलेगा, और इसमें देश भर से लगभग 10,000 से अधिक जो है एथलीट्स जो है हिस्सा लेंगे, और ये खिलाड़ी देखा जाए 28 स्थानों पर 43 खेलों का प्रतिस्पर्धा करेंगे, और ये पहली बार हो रहा है कि गोवा में जो है ये खेल आयोजित किया जा रहा है, जो कि 37वां है। माफ करिएगा, कमेंट बॉक्स से आप बताइए कि 36वां जो है कहां पे आयोजित किया गया था, और इस खेल का शुभंकर क्या है दोस्तों, 37वें राष्ट्रीय खेल का मोगा है, मोगा जो कि एक बाइसन है जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और ये गोवा की विशिष्ट पहचान का प्रतिनिधित्व करता है। तो 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या है दोस्तों, मोगा है, ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है पहली बार गोवा में आयोजित किया जा रहा है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि जो है 36वां कहां पे आयोजित किया गया था। अगला है, किस राज्य के शिक्षक दीप नारायण नायक को प्रतिष्ठित वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए शीर्ष 10 फाइनलिस्ट में चुना गया है। ऑप्शंस आपके सामने, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और इसका करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है, पश्चिम बंगाल। आइए इसके बारे में देखते हैं, तो पश्चिम बंगाल के दोस्तों शिक्षक हैं जिनका नाम है दीप नारायण नायक, इनको जो है प्रतिष्ठित वैश्विक शिक्षक पुरस्कार, ठीक है, उससे सम्मानित किया गया है, ठीक है, और ये जो है शीर्ष 10 फाइनलिस्ट में इनको चुना गया है। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार की बात करें तो ये यूनेस्को और दुबई केयर्स के सहयोग से यूके स्थित वर्की फाउंडेशन के द्वारा जो है हर वर्ष आयोजित किया जाता है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। अब आप इनकी तस्वीर भी यहाँ पे देख सकते हैं, उसमें जो कि क्लियर पिक नहीं थी, यहाँ पे देखिए ये है दीप नारायण नायक, और इनको जो है पश्चिम बंगाल के ये शिक्षक हैं दीप नारायण नायक, और इनको देखा जाए तो वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए, ठीक है, 100 फाइनलिस्ट में चुना गया है, और ये जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है दोस्तों ये यूनेस्को और दुबई केयर्स के सहयोग से यूके स्थित एक फाउंडेशन है वर्की फाउंडेशन, उसके द्वारा जो है हर वर्ष दिया जाता है। दीप नारायण नायक का जो चयन किया गया है, इन्होंने जो शिक्षा के क्षेत्र में जो इन्होंने असाधारण समर्पण इनका रहा है, जो इन्होंने योगदान दिया उसको रेखांकित करता है, विशेष करके इन्होंने जब COVID-19 के दौरान जो है, जो महामारी के दौरान जो कि एक चुनौतीपूर्ण समय था, उस दौरान इन्होंने जो अपना योगदान दिया, इसके लिए जो है इनको वैश्विक शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस कंपनी ने महिला डिलीवरी पार्टनर्स के लिए मातृत्व बीमा योजना आरंभ किया है, तो वो कौन सा, यानी कि डिलीवरी पार्टनर जो महिला डिलीवरी पार्टनर है, ठीक है, उनके लिए मातृत्व बीमा योजना प्रारंभ करने वाली कौन सी कंपनी है दोस्तों, तो वो ध्यान रखिएगा जोमैटो है, ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए है, जोमैटो है। तो यहाँ पे जो है तो ये जोमैटो ने देखा जाए जो इनके यहाँ जो काम करने वाली जो, ठीक है, जो महिला डिलीवरी पार्टनर्स है उनके लिए मातृत्व बीमा की शुरुआत किया है, और ये क्या करेगा, ये जो बीमा है ये गर्भावस्था से संबंधित खर्चों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा इस मातृत्व बीमा योजना के तहत, जो कि जोमेटो ने अपनी जो है महिला डिलीवरी पार्टनर्स के लिए शुरू किया है। इसका लक्ष्य क्या है, तो गर्भावस्था के दौरान जोमेटो समुदाय को इन महिलाओं और उनके परिवारों के लिए अधिक स्वागत योग्य जो है और मददगार बनना है। इसमें बीमा योजना के तहत क्या किया जाएगा, गर्भावस्था से संबंधित जो विभिन्न खर्चे हैं जैसे कि बच्चे के जन्म की लागत, मातृत्व के दौरान होने वाली कोई भी जटिलताओं को कवर करेगा। तो ये बीमा देखा जाए तो एक तरीके से जो मातृत्व बीमा है, चूंकि मातृत्व बीमा है तो जितना गर्भावस्था के दौरान जो जटिलताएं आती हैं, जो खर्च होते हैं और बच्चे के जन्म के समय जो लागत आती है, सारी लागत को ये बीमा जो है कवर करेगा।
लेकिन इसके तहत कुछ कंडीशन होती है। लेकिन ये जो मातृत्व बीमा कवरेज है इसको प्रदान करने के लिए जोमेटो ने एक कंपनी के साथ साझेदारी की है, ठीक है, प्रौद्योगिकी संचालित बीमा कंपनी है एसी को, ठीक है, इसके द्वारा जो है इससे जो है समझौता किया है। और इसके लिए कुछ ठीक है शर्तें भी हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी आज जोमेटो से जुड़ता है और उसको जो है जोमेटो बीमा प्रदान करने लगता है। तो बीमा पात्र होने के लिए देखिए क्या कंडीशन है, महिला डिलीवरी पार्टनर्स को जोमेटो प्लेटफॉर्म पर के माध्यम से लगभग 1000 डिलीवरी पूरी करनी होगी, 1000 डिलीवरी उसने पूरी किया होगा। तो इसके अतिरिक्त जो है उन्होंने मातृत्व बीमा योजना की घोषणा की तारीख से ठीक है पिछले 60 दिनों तक प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रहना होगा। तो जिस दिन जो है मातृत्व बीमा योजना की जो घोषणा की गई उसके पहले से मतलब 60 दिन पहले से वो सक्रिय रूप से कार्य कर रही हो ठीक है तो उसे ये मातृत्व बीमा योजना का लाभ मिलेगा। और ये पहल जो है उद्योग जगत में अपनी तरह की पहली पहल भी है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की कि हाल ही में किस राज्य में मेरा ठीक है हौंजू गब्बा मनाया गया। तो ये एक उत्सव है, ठीक है, मेरा ठीक है मेरा हौंजू गब्बा ये उत्सव किस राज्य में मनाया गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शंस आपके सामने है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। और इसका करेक्ट आंसर इस बी है, मणिपुर में, ठीक है। तो मणिपुर में दोस्तों ये एक वार्षिक उत्सव है, ठीक है, मेरा हौंजू, ठीक है, हौंजू गब्बा जो कि मणिपुर की राजधानी इम्फाल में मनाया जाता है। इम्फाल में जो कांगला है वहां पर मनाया जाता है। इस उत्सव की बात करें तो राज्य की पहाड़ी जो जनजातियां हैं, घाटी के लोग हैं, उनके बीच में संबंधों को बढ़ावा देने और साथ ही साथ उनके बीच के संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से ये मनाया जाता है। मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और मणिपुर के जो राज्यसभा ठीक है सदस्य है जिनका नाम है ठीक है राजा और राज्यसभा के सदस्य है ठीक है जिनका नाम है लिनशेबा सानाजोआबा, इन्होंने जो है कांगला में इस उत्सव का उद्घाटन किया है, ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत किस राज्य के दो शहरों अमृतसर और कपूरथला को शामिल किया गया है। तो अभी हाल ही में दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो है केंद्र सरकार की योजना है स्वदेश दर्शन योजना, इसके 2.0 के तहत जो है दो शहरों को शामिल किया गया, एक अमृतसर है जिसका नाम है कपूरथला। ये कौन सा शहर है, ये कौन से राज्य में ये शहर है, तो कमेंट बॉक्स में आंसर करिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर सी है, पंजाब में, ठीक है। तो अमृतसर और कपूरथला को ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में ठीक है महत्व के 30 शहरों में शामिल किया गया, ठीक है, कपूर अमृतसर और कपूरथला ठीक है ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन के महत्व के शहर के रूप में शामिल किया गया। पंजाब के ये दोनों शहर और इन दोनों शहरों को देखा जाए स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित देश के 15 राज्यों के ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन महत्व के 30 शहरों में शामिल किया गया, ठीक है। तो 15 राज्यों के जो लगभग 30 शहरों को जो शामिल किया गया ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन के महत्व के, उसमें से देखिए ये अमृतसर और कपूरथला भी है जो कि पंजाब का शहर है। इससे पहले भी देखिए पंजाब के शहरों को शामिल किया गया था, चुना गया था, ठीक है, 2018-19 में कौन कौन से वो शहर थे, तो श्री आनंदपुर साहिब, श्री फतेहगढ़ साहिब, ठीक है, चमकौर साहिब, फिरोजपुर, ठीक है, खटकड़ कला, पटियाला और कालानोर जो है इस योजना के तहत चुना गया था। स्वदेश दर्शन योजना का उद्देश्य बेसिकली क्या है दोस्तों, ये एक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के जो शहर है उन शहरों के बेहतर बुनियादी सुविधा प्रदान करना करके पर्यटकों की यात्रा को सुखद और यादगार बनाना। तो एक तरीके से जो धार्मिक महत्व के शहर है, जो ऐतिहासिक महत्व के शहर है, उनके जो है बेहतर बुनियादी ढांचा को मजबूत करना जिससे कि जो यहाँ के पर्यटक जो आए उनको एक अच्छी सुविधा मिल सके और ना सिर्फ सुविधा बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सके। स्वदेश दर्शन योजना की दोस्तों बात करें तो इसे 2015 ठीक है 14-15 के वित्तीय वर्ष में जो है शुरू किया गया था और ये थीम आधारित पर्यटन सर्किट ठीक है योजना है। तो थीम के आधार पे जो है पर्यटन सर्किट को विकसित किया जाता है स्वदेश दर्शन योजना के तहत और इसके तहत देखा जाए 15 विषयगत सर्किटों की पहचान की गई है। ये इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में पूछा भी है, पूछा था कि इसमें से कौन सा सर्किट शामिल नहीं है, तो आप देख लीजिएगा बौद्ध सर्किट है, तटीय सर्किट है, डेजर्ट सर्किट है, इको सर्किट है, हेरिटेज सर्किट है, हिमालयन सर्किट, कृष्णा सर्किट, नॉर्थ ईस्ट सर्किट, रामायण सर्किट, ग्रामीण सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, सूफी सर्किट, तीर्थंकर सर्किट, ठीक है, जनजातीय सर्किट, वन जीव सर्किट। और ये जो है योजना पूरी तरीके से यानी कि 100% के केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजना है, तो केंद्रीय योजना है ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बेसिकली योजना है आजकल बहुत एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो इनका ध्यान रखिएगा किस वर्ष ये शुरू हुई थी, ठीक है, इसके तहत कितने जो है धार्मिक सर्किटों को विकसित किया जा रहा है, कितने सर्किट है, 15 सर्किट, ठीक है। चलिए आज के लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 रिपोर्ट जारी किया है।
तो ये क्या है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने किया है, ठीक है, विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 रिपोर्ट। तो हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने दोस्तों विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 रिपोर्ट जारी किया है। इस जो रिपोर्ट है ये ऊर्जा की मांग और आपूर्ति के अनुमानों पर महत्वपूर्ण विश्लेषण, उनके प्रभाव के बारे में जानकारी प्रदान करती है। ये विश्व ऊर्जा जो आउटलुक है ये 2023 रिपोर्ट में देखिए क्या बताया गया है, अर्थव्यवस्था और ऊर्जा उपयोग में संरचनात्मक बदलाव कैसे दुनिया में ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के तरीकों को बदल सकता है, ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए ये भी कहा गया है कि 2030 तक जो सड़कों पर जो दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक कार है उसमें कितना गुना वो अधिक हो जाएंगे, तो ये जो है 10 गुना अधिक हो जाएंगे, ठीक है, 2030 तक। यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी स्रोत जो है दुनिया के ऊर्जा स्रोतों का लगभग कितना प्रतिशत होगा, 50% होगा, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस होते हैं वहां पे ऐसी चीजें आ सकती है। चूंकि अगर हम बात करें विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट जो कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी किया गया, तो इस एजेंसी के भी बारे में देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की दोस्तों बात किया जाए तो ये OECD यानी कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ठीक है, OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक, ठीक है, OECD इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, ठीक है, इसी ढांचे के तहत स्थापित ये स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की जो स्थापना हुई थी 1974 में हुई थी और इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा महत्वपूर्ण 10 MCQ। अब बात करते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे की। फैक्ट्स ऑफ द डे में हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि कर्नाटक हाई कोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया, किसे किया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसे किया गया, केवी अरविंद को किया गया। हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के नए अध्यक्ष चुने गए, कौन चुने गए, माइकल जॉनसन चुने गए हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए स्पेशल फोर्स, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल को अत्याधुनिक, ठीक है, ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग मिली है, किस जो है किस राज्य के स्पेशल ट्रेनिंग, स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल को, तो हिमाचल प्रदेश के। फ्रांस के महावाणिज्य दूत उपाधि से सम्मानित किया जाएगा, किसे किया जाएगा, अभिनेत्री रिचा चड्ढा को किया जाएगा। और एक घड़ी निर्माता कंपनी जिसका नाम है दोस्तों राडो, तो राडो ने देखा जाए ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है, किसको बनाया है दोस्तों, कैटरीना कैफ को बनाया, ठीक है, तो ये भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को बनाया। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, ठीक है, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।